मुरादाबाद में बीजेपी नेता सहित 5 कार्यकर्ताओं पर पुलिस के साथ मारपीट कर घायल करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। दरअसल अनुमति न होने के बाद भी डीजे बजाकर नए साल की पार्टी करने का आरोप है सभी पर। साथ ही दो पक्षों में हंगामा होने की सूचना पर जब पहुंची थी पुलिस तो पुलिस टीम के साथ मारपीट करने का आरोप भी है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें कि अभिषेक चौबे, अभिषेक राठौर, हेमंत चौधरी, गौरव यादव, नरेश यादव के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बदायूं में राजनीति का पारा चढ़ चुका है। सभी दल अपनी अपनी जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। दातागंज विधानसभा की बात की जाए तो वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इससे पहले 2 बार बीएसपी के विधायक वहां पर रहे हैं। और ऐसे में आज दातागंज विधानसभा में बीएसपी की एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें कि ये रैली बीएसपी प्रत्याशी रचित गुप्ता के नेतृत्व में पूरे विधानसभा से होकर लगभग 2000 मोटरसाइकिलों का काफिला निकलेगा। आगरा में निर्माण की मांग को लेकर मलपुरा में धरने पर बैठी वृद्धा की शनिवार रात को मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। दरअसल 81 दिन से गांव में आरसीसी रोड और नाला निर्माण को लेकर धरना शुरू हुआ था। ऐसे में प्रशासन ने आरसीसी रोड का निर्माण तो शुरू करा दिया, लेकिन नाला निर्माण अभी तक नहीं शुरू हुआ। इसी की मांग को लेकर अभी भी धरना चल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को यहाँ सावित्री देवी के नेतृत्व में महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठ गए थे। रास्ते में ही पंडाल बनाकर महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। विकास नगर निवासी 65 वर्षीय रानी भी यहां पर धरने पर ही बैठी थी, लेकिन शनिवार रात 11 बजे धरना स्थल पर बने पंडाल में रानी देवी सभी महिलाओं के साथ पंडाल में सोने लगी। सुबह 6 बजे महिलाएं तो जाग गईं, लेकिन रानी देवी नहीं उठी। महिलाओं ने उन्हें आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद देखा तो उनकी सांसें बंद थी। धरना आज हादसा हुआ है। धरना को आज 81 दिन हो गए। 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है। रात को यहाँ एक टीम गठित करी हमने अपनी कमेटी, तो मैं 11:30 बजे करीब यहाँ से गई हूँ। और अम्मा और ये पुष्पा बहन, ये राजकुमारी दीदी, ये कभी कभी सो जाती थी, जब मन करे जब ही सो जाएंगे। और जब हम भूख हड़ताल पर रहे 2-3 दिन तो कई महिला सोई मेरे साथ में। और जब अब सुबह मेरे पास जब फोन गया है 7:30 बजे करीब, तो मैं जब आई हूँ तो मुझे यहाँ आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि आगरा से दिल्ली की ओर जा रहा ट्रक डिवाइडर तोड़कर नीचे जा गिरा। ट्रक चालक और क्लीनर की हादसे में मौत हो गई है। हादसे में ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि शव निकालने के लिए पुलिस को 2 घंटे तक की मशक्कत करनी पड़ी। और हादसा सुबह करीब 4:30 बजे का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक ट्रक में लोहे के गर्डर लदे हुए थे। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी गढ़वाल में नए साल पर सेना निवृत्त कर्मचारी समिति के फ्यूलसू द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कर पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने शिरकत की, तो वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवित्री और कांग्रेस की पौड़ी विधानसभा सीट से टिकट की दावेदार डॉक्टर ऋतु सिंह द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज की गई। समारोह में भारी संख्या में ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों के साथ पूर्व सैनिकों ने भी प्रतिभाग किया। को बता दें कि कार्यक्रम में महिला मंगल दलों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान कवित्री डॉक्टर ऋतु सिंह द्वारा सैनिकों के सम्मान में स्वरचित कविताओं का वाचन करते हुए पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। वहीं इस दौरान उनके द्वारा अपने सुप्रसिद्ध गीत चले आओ पहाड़ों पर भी उपस्थित जन समुदाय को सुनाया गया। देखिए आज जो है ये कपोलसू में जो है जाखाली में बोलते हैं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है सांस्कृतिक समारोह रखा गया। और इस समारोह में जो यहाँ की प्रतिभाएं हैं, जो लोकल बोल सकते हैं हम लोग क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, महिला मंगल दल वगैरह, इन सब का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर सजाया हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संस्कृति हमारी धरोहर है, जिसको हमको बचा के रखना है।
नए साल के मौके पर वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पूरे देश में लोग दुआएं कर रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में भी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम ने वैष्णो देवी मंदिर की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत दुखद प्रसंग है, भगवान उनके परिवारों को शांति दे और हम शासन प्रशासन से भी बात करेंगे कि उनके परिवारों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे। वहीं निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी का कहना है कि ये तो बहुत दुखद घटना है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। घटना हुई है, हमें भी आज सुनने में आया है कि वैष्णो देवी में हमारे कहीं लोग जो है जख्मी हुई है, कहीं उनकी मृत्यु हुई है, तो मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जो परिवार वाले हैं उनको जो है इतना बड़ा जो घटना हुई है जो ये दुख है वो सहन करने की शक्ति दे। बहुत ही दुखद प्रसंग है, भगवान उनके परिवारों को शांति दे और हम जो है प्रशासन शासन से भी बात करेंगे कि उनके परिवार को अधिक से अधिक सहयोग। भगवान उत्तरायण में, भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण में आने के बाद और ये एक शुभ और एक अनेक प्रकार की जो है गंगा माई, अनेक प्रकार की देवी देवताओं का मंगलमयी आनंदमयी, आज जो हमने सुबह सुबह जो आप लोग के माध्यम से एक घटना सुना वैष्णो माता पे, ये तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है और हम सब मंच पे थे, हो सकता है हमें ज्ञात ना हो, हमने रात 2 बजे के बाद की घटना, 2 बजे की बात है, पर मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि माँ आपके दरबार में इन सबों का ऐसा हुआ है तो निसंदेह उनका तो पुनर्जन्म उनके घर में हो। शहीद हवलदार प्रदीप थापा का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंच गया है, जिसके बाद से ही अनारवाला आवास पर लोगों का अंतिम दर्शन करने के लिए जमावड़ा लग गया। आपको बता दें पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद से ही परिजनों का और रिश्तेदारों का रो रोकर बुरा हाल है दरअसल, और साथ ही आपको बता दें कि अंतिम दर्शन पाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हवलदार थापा को पुष्प टायर अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और पूरे सैनिक सम्मान के साथ हवलदार थापा को अंतिम विदाई दी गई। बड़ा हम लोगों को सबको बड़ा दुख है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो एक असमय इतना बड़ा कष्ट आया है उस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी शहीद के प्रति उनको नमन करते हुए उनके सब परिवार के लोगों के साथ हैं और हर संभव हमारी सरकार ऐसे शहीदों को स्मरण रखने के लिए उनके परिवार के साथ खड़ी है। सारा हमारी चाहे यहाँ की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हमेशा हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं और निश्चित रूप से हमारी ये भूमि वीर भूमि है। राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऋषिकेश की दिव्यांग खिलाड़ी निर्जा गोयल ने 2 रजत पदक जीते हैं। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद ऋषिकेश पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने निर्जा गोयल का ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। स्वागत करने का मुख्य उद्देश्य है निर्जा गोयल के अंदर एक नया जज्बा भरता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिव्यांग होने के बावजूद भी निर्जा गोयल ने अब तक दर्जनों मेडल जीत कर शहर का नाम रोशन किया है, इसके लिए निर्जा की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। निर्जा गोयल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिव्यांगता किसी हुनर की मोहताज नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए, हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपको बता दें कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 4th पैरा नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में निर्जा गोयल ने सिंगल और डबल प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। भुवनेश्वर में 4th पैरा नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने प्रतिभाग किया और उसमें मैंने सिंगल में और डबल में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जिसका मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और मैं आज गर्ल्स के लिए और जितने भी बच्चे जो कि कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो हिम्मत करें और मेहनत करें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकते हैं।